Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. और हम लोग करने जा रहे हैं आज द एपिक जो मूवी है KGF चैप्टर 2 उसका ट्रेलर रिएक्शन. और मैं बहुत बेसब्री से इस मूवी के ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ और आज का वो दिन है जब ये ट्रेलर रिलीज होने वाला है और 14th of April को फिल्म सिनेमा घरों में आ जाएगी. तो लाइक मैं अभी भी इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस था देखने का, जो चैप्टर 1 का जो एक्सपीरियंस था, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया. सच अ ग्रेट मूवी इट इज. मतलब बाहुबली के बाद अगर किसी मूवी ने मुझे बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया है तो वो थी KGF. एक्चुअली मैंने ये मूवी जो थी वो फोन पे देखी थी और मैंने थोड़ा सा लेट देखी थी. लेकिन जब मैंने फोन पे देखी तो मुझे रिग्रेट हुआ कि यार नहीं, मुझे ये हॉल पे देखनी चाहिए. जिस हिसाब का एनवायरमेंट क्रिएट करती है मूवी, जिस हिसाब का बैकग्राउंड स्कोर था, चाहे वो विजुअल्स थे, चाहे वो एक्शन था, रॉ कितने, मतलब जैसे वो पूरा एरिया जिसे जब वो दिखाते हैं तो वो एरिया जो दिखाते हैं उसमें धूल उड़ रही है, क्लियर कुछ नहीं है, जो वो बहुत ज्यादा. मैंने बहुत रेयरली किसी कमर्शियल फिल्म में इतना रॉ एक्शन, इतना सब कुछ, रॉ परफॉर्मेंसेज, रॉ मेकअप और सॉन्ग्स, इतने कमाल के सॉन्ग्स थे. इतना मतलब आई रिमेम्बर इट वाज माय कॉलर ट्यून दैट लाइक आई रियली वांट टू से दैट रवि बसरूर जी, आपने बहुत ही शानदार म्यूजिक दिया इस पूरी फिल्म को, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो, चाहे वो फिल्म के गाने हो. जेन्युइनली आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 से भी. जिस हिसाब से टीजर जब आया था और तूफान जो सॉन्ग ने उसका भी रिएक्शन किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे सॉन्ग. एग्जैक्टली, मुझे वो पुराने वाले उसकी वाइफ को मैच करता हुआ, येट अ लिटिल यू नो विद अ लिटिल बिट डिफरेंट वाला टाइप का, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा, अब थोड़ा सा ना इंक्रीज हो गई है चीजें, अब चेंज हो गई है. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ KGF चैप्टर 2. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन. KGF ನಲ್ಲಿ ಗರುಡನ್ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ? ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಕತೆ ಇದು. ಶಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತನೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. There will be no more tolerance. ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಪಡೆಗಳಿವೆ, उसके मारेंगे. पत्ते बीसी रक्त हर से युद्ध मारो तो नाश मारकल उद्धार मारके अल्ली बिड़ो हेड़गड़ कोड़ा उपयोग बैठावे बेकिद्रे रणहद्दगड़ केड़ो. The biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी. ಹೇಳ್ಬಿಡೋರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ KGF ಪಡೆಯೋಕೆ. ನನಗೆ ಯಾರ ದೋಸ್ತಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಶ್ಮನಿ ಯಾವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. Business man, huh? Offer closes soon. Amma, ee prapanchadalli iro bangaran ella ninage tan kodtini amma. Sari aayitu, ig nen malko naale belike dhogi taruvante.
दिस इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि मैं जब ये देख रहा था पहले तो मैं इतना सब कुछ चल रहा था एक टाइम पे एंड आई वाज लाइक किस पे फोकस करूं। एक तरफ जो जो यश का जो कैरेक्टर है अपना, वो अपना एक अलग रॉकी जो अपना एक अलग लेवल पे जा चुका है। नाउ द रमाइका से हैज कम इनटू द पिक्चर और वो चाहती है कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो तो मैं करने दूंगी, मैं करने दूंगी। हाँ, मेरे पास भी है फोर्सेस जिस हिसाब का उनका, मतलब जिस हिसाब का उनके कैरेक्टर, जिस हिसाब की वाइब वो कैरी करती है, मुझे ऐसा लगता है शी डजंट केयर अबाउट द पीपल जो वहाँ रह रहे हैं कुछ भी। उनका ये है कि अच्छा अगर वो उनकी तरफ से लड़ने के लिए तो यू नो व्हाट आई हैव द यू नो फोर्स आल्सो। एब्सोल्युटली। और एक बिजनेस की बात चल रही है बार बार और वो उसके लिए यश जो रॉकी और रेडी नहीं है उस चीज के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हुआ कि he is not ready for that। और अधीरा जब से आया है पिक्चर में एक इतना खतरनाक, I mean, इसको देख के पता कैसा लग रहा है, everyone is against him। सब लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, सारे लोग खिलाफ हुए और अकेला खड़ा है तो एक साइड अपने लोगों को लेके जो, हाँ, और एक साइड सारे एक्चुअली में मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में और जो अधीरा के अपने अलग अलग लोग हैं वो, ओह माय गॉड, ही इज लुकिंग सो डेंजरस एंड यू नो। मैंने इनको ऑब्वियसली बात है पहले विलन के कैरेक्टर्स में हम लोगों ने देखा है, लाइक अग्निपथ में बहुत अच्छा रोल किया था उन्होंने, बहुत कमाल रोल किया था, अमेजिंग। और लेकिन इसमें भी बहुत अलग है, डिफरेंट और कैरेक्टर की वाइब भी ऐसी है। जो मेरे को स्टार्टिंग से एक चीज जैसे ही यश का कैरेक्टर आया वो मेरे को आते ही एकदम ऐसा लगा कि दिस टाइम दे हैव गिवन हिम यू नो वेरी नाइस सूट and... बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड है वो, इट ही हैज दैट यू नो अ काइंड ऑफ ह्यूमर आल्सो, ह्यूमर भी है उसी टाइम पे, ह्यूमर के टाइम पे ही वो हथौड़े से फाइटिंग कर रहा है, बट यू नो लाइन्स जिस हिसाब की है कि यू नो आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी देन सो आई कैन नॉट। लेकिन तुमने देखा इसमें एक चीज और है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो ये कि इस बार ये लोग इस फिल्म में जो पूरा जो कुलार गोल्ड फील्ड है उसको बहुत लेवल पे वो लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत बड़ी लेवल पे सीन्स वही होने वाले मेरे ख्याल से, क्योंकि यू नो दैट्स द मेन, इट्स लाइक जैसे वो युद्ध है, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध वाला टाइप का चीज हो गया कि वहीं जाके सब लोग लड़ रहे हैं और भी अपनी फोर्स। और अगर हम ध्यान दें तो एक्शन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत रॉ होने वाला है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो बैटल होने वाली है वो होने वाली रॉकी और अधीरा के बीच में, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और सबसे ज्यादा मजा आने वाला है ऑडियंस को सिनेमा हॉल में। ये तो सिनेमा हॉल में देखनी बनती है फिल्म, मतलब लोग पागल होने वाले हैं इस बार इस फिल्म के लिए, मरेगा या फिर जो भी होगा। एब्सोल्युटली। और ये मूवी मुझे थोड़ा सा डार्क एंड वाला टाइप का वाइब देती है ना, आखिर में वो कैसे वो कोला निकल कर आया, जिस तरह रॉकी खून से लथपथ जिस तरह से था वो, ऐसा लगा कि पागल हो गया है। जिस हिसाब से मतलब ये सब कुछ चीजें आई गेस हो चुकी है, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, इट हैपेंड लाइक मेरे ख्याल से कुछ साल पहले या फिर मे बी रिसेंटली, बट ये स्टोरी एक्चुअली में खत्म हो चुकी है, दे आर टॉकिंग अबाउट इट आगे, तो मुझे लगता है कि यू नो इट हैज अ वेरी डार्क एंडिंग, आई डोंट नो मे बी इट कैन लाइक इट कैन हैव अ हैप्पी एंडिंग ऑल्सो। या मतलब मुझे लग रहा है कि इस बार सारे कैरेक्टर्स को एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाया गया, जैसे जो लड़की का कैरेक्टर है उसको भी, उनको भी मुझे दिख रहा है, बट ही हैज दैट डायलॉग की यू नो कोई मेरा दोस्त नहीं है और दुश्मन वाला टाइप के जो भी डायलॉग है उनके, तो वो मुझे देख के ऐसा लगा कि मे बी लास्ट में यू नो वो अकेले ही पड़ जाएंगे लड़ने के लिए। वो तो फिल्म धन्यवाद समझ में आएगा हम लोगों को। So, this was the trailer reaction of KGF Chapter 2 in Kannada. और इसका I really want to see the हिंदी वर्जन, तो हम लोग उसका हिंदी वर्जन भी हम लोग उसका रिएक्शन करेंगे। सो या आज के लिए बस इतना ही, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।